हेलो दोस्तों, आपका ज्योग्राफी विद अनिल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस के प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे 20 से 30 प्रश्न आते ही आते हैं। यह साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके प्रत्येक एग्जाम में हेल्प करेगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, अतः अंत तक वीडियो जरूर देखें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, जिकंगो जो होता है वो एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प उल्फिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और सबसे बड़ा पुष्प पूछे तो रफलेसिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, क्रिम्टो गेम्स। क्या कहलाते हैं? क्रिम्टो गेम्स जो होते हैं इनमें पुष्प फूल नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, हम हल्दी का क्या खाते हैं? परकंद खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू का खाने योग्य भाग होता है तना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हम आलू का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर सी, अस्तम मूल कहलाती हैं वो। ये अस्तम मूल, जो बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें होती हैं उन्हें अस्तम मूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ें विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी किससे? जड़ें किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, आलू जो है वो एक जड़ नहीं है, ये एक तना है। शकरकंद, मूली, गाजर ये जड़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन मूल मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, जुशीशिया में। जुशिया में क्या मिलता है? श्वसन मूल कहाँ मिलती है? जुशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बैक्टीरियम से फैलने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर ए, चेचक। चेचक जो है, सॉरी सॉरी, यहाँ गलत हो गया है। तपेदिक, तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। ऑप्शन नंबर डी, सिल्वीकल्चर में, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान किसका? शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म में पौधे जो है बीज में बनते हैं लेकिन वो नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर सी, टेडोफाइट। बीजों की प्रकृति टेडोफाइट से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? ऑप्शन नंबर बी, इंडोकार्पन। जापान में लाइकेन को सब्जी के रूप में इंडोकार्पन को खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सेक्सी कोल्स। सेक्सी कोल्स जो है ये खाली चट्टान पे उगने वाले लाइकेन कहलाए जाते हैं। पूछ देगा कि सेक्सी कोल्स क्या है, तो ये एक लाइकेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोफिलिक्स। गोबर पे उगने वाले कवक कहलाते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, विविध पोषी। सभी कवक सदैव कैसे होते हैं? विविध पोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, शैवाल से। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। केल्प प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी, समुद्री शैवाल से। केल्प कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से केल्प को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है?
फूट एंड माउथ, जो जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग होता है वो विषाणुओं द्वारा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, विषाणुओं द्वारा ये उत्पन्न होती हैं पशुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो खसरा किसके कारण होता है, विषाणुओं के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, किसमें एंजाइम नहीं पाए हो जाते, विषाणु में, जबकि जीवाणु शैवाल लाइकेन में एंजाइम पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग विषाणुओं के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी चेचक जो होता है ये विषाणुओं के कारण होता है, जबकि मलेरिया यक्ष्मा पीलिया अदर के कारण होते हैं। टिक्का रोग किसमें होता है, ऑप्शन नंबर डी मूंगफली में, टिक्का रोग किस में होता है, मूंगफली के पौधों में पाया जाता है टिक्का रोग। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है, शैवाल जो होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, शैवाल जो होता है वो स्वपोषी होता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए इवानो वस्की, इनाओ वस्की ने विषाणु की खोज की थी सबसे पहले, जबकि एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर बी तपेदिक जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, छड़ रूपी, ऑप्शन नंबर सी छड़ रूपी होती है, जो जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, जीवाणु खोज सर्वप्रथम ल्यूने हॉक ने की थी, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी। दूधी नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं, ऑप्शन नंबर सी लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबूदाना किससे बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। सूक्ष्म जीव मिलते हैं रेतली मिट्टी में, लवणयुक्त पानी में, दलदल भूमि में, इन सभी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सूक्ष्मजीव हमें रेतली मिट्टी में मिलते हैं, लवणयुक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदल भूमि में भी मिलते हैं। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए भूमि का, भूमि में हम पेडियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, घासों का, हम एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी शैवाल का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए थियोफ्रेस को वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऑप्शन नंबर ए लेमार और टेवीरेशन ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था, ऑप्शन नंबर सी बेलिस एम स्टार लिंग ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़ा का आकार किस तरह होता है, तो शंक्वाकार होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से
किसमें प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पत्ती को हम प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो अमोनिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी स्वतंत्र तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र सॉरी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो डायरिया और टीबी, ये दोनों ही डायरिया और टीबी ये दोनों ही स्वतंत्र तंत्र से संबंधित बीमारी होते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर सी ये मृत जीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है किसके कारण? ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन के कारण जो होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, तो जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? वो ड्यूरा मीटर। ऑप्शन नंबर सी ड्यूरा मीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ऑप्शन नंबर बी 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन नंबर बी विसरण द्वारा। तो जो किस अभिक्रिया द्वारा, तो विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।